मध्य प्रदेश की आंधी का असर महाराष्ट्र में भी दिखने लगा है। राज्यसभा की सीटों को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच एनसीपी के दो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, मतलब कि सातवीं सीट पर पवार ने अपना दावा ठोक दिया। महाराष्ट्र की सात में से तीन पर बीजेपी और बाकी तीन पर शिवसेना। कांग्रेस और एनसीपी के लिए तो जीतना आसान है, लेकिन पेंच सातवीं सीट का है जिसे बीजेपी भी जीतना चाहती है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश के ताजा घटनाक्रम को देखते हुए उद्धव ठाकरे ज्यादा सतर्क हो गए हैं कि कहीं बीजेपी उसके घर में भी सेंध न लगा दे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और मध्य प्रदेश वायरस यहां घुस भी नहीं सकता। संजय राउत ने बुधवार को भरोसा जताया कि शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार सुरक्षित है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने की कगार पर है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस के 22 विधायकों ने और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए चिंता की कोई बात नहीं। शिवसेना नेता मराठी में ट्वीट करते हैं, मध्य प्रदेश वायरस महाराष्ट्र में नहीं घुसेगा, महाराष्ट्र की सत्ता अलग है। 100 दिन पहले एक अभियान सफल हो गया था, महाविकास अघाड़ी ने बाईपास सर्जरी की और महाराष्ट्र को बचाया। महाराष्ट्र में एकदम विपरीत विचारधारा वाली पार्टियां साथ आईं, हिंदुत्व की विचारधारा वाली शिवसेना और सेक्युलर विचारधारा वाली कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से सरकार बन गई। कई मुद्दों पर सरकार के भीतर भी विरोधाभास सामने आता रहा है, इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है।